हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे असिस्टेंट लोकोपायलट टेक्नीशियन वालों के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट यहां पर आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर जो है ऑफिशियल एक नोटिस के साथ जारी कर दिया गया है, जिसमें पोस्ट एलोकेशन ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, यानी कि उनकी कम्युनिटी को जो है चेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 36 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको शिफ्टिंग कर दिया गया है, उनकी कम्युनिटी चेंज कर दी गई है। ऐसा क्यों हुआ, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ALP का RRB कोलकाता की मैं बात करूं, तो RRB कोलकाता में ये जो है कम्युनिटी को चेंज किया गया है। तो RRB कोलकाता जोन में ALP की मैक्सिमम सीटें फुल हो चुकी हैं, और कल भी एक जो है पैनल जारी किया गया था। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूं कोलकाता जोन की ALP की सीट के बारे में, तो केवल सभी सीट फुल हो चुकी हैं। उम्मीद है कि दो तीन सीटें बची हुई हैं अभी भी, ठीक है। तो चलेगा फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ RRB कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं RRB कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं, और यहां पर आने के बाद आपको देखने को मिलेगा सीट नंबर 01/2018 डेटेड 8/1/2020 आज की डेट का नोटिस है। द चेंज ऑफ अलॉटेड कम्युनिटी ऑफ रिजर्व कम्युनिटी कैंडिडेट्स डेट इज SC/ST/OBC अगेंस्ट ER वैकेंसी बेस्ड ऑन द मेरिट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पर्सुएंट टू CA नंबर 01/2018। देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके नोटिस को डाउनलोड कर लें। जो कैंडिडेट थे SC/ST/OBC को, उनको जो है UR में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कल की डेट में नोटिस आया था 7 जनवरी की डेट में, आज है 8 जनवरी, तो आज की डेट में ये नोटिस आया है कम्युनिटी के लिए। कल एक ALP का पैनल भी जारी हुआ था। तो चलिएगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको नोटिस डाउनलोड करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। द चेंज ऑफ अलॉटेड कम्युनिटी ऑफ रिजर्व कम्युनिटी कैंडिडेट डेट इज SC/ST/OBC अगेंस्ट UR वैकेंसी बेस्ड ऑन मेरिट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पर्सुएंट ऑफ CA नंबर 01/2018 टू अपेंडेड बिलो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता RRB कोलकाता लेटर डेटेड 7/1/2020, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है जो कैंडिडेट है उनका सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर डेट ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, यानी कि इनका पैनल कब जारी हुआ था। तो 6/9/2019 को इनका पैनल आया था, इसका कैंडिडेट्स का जो ALP के लिए यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। और प्रीवियस मेरिट SI नंबर में इनका जो है 39 पर नंबर है, और इनका रोल नंबर ये है, इनके पिताजी का इनका रोल नाम यहाँ पर दिया है। इस SC से बिलोंग करते हैं, और इनको पहले SC मिला था, लेकिन अब चेंज करके इनको UR कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो पहला इनका जो पैनल में नाम आया था वो इस डेट को नाम था, और किस नंबर पर थे, तो ये नंबर उनके था, ठीक है। ये 39 नंबर पर 40, 41 इस तरह से हैं, ठीक है। देखिएगा, अब बात करते हैं हम OBC की। तो OBC के कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, इनको UR कर दिया, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको सभी को UR कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम सेकंड की बात कर लें, तो सेकंड में भी यही ही है, जो SC/OBC कैंडिडेट हैं उनको भी UR में कर दिया गया है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ, और भी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है नोटिस। और तो फिलहाल ये था फ्रेंड्स अपडेट। और मैं आपको बता दूं अदर जोनों का, तो अदर जोनों में अगर वैकेंसी जनरल वाली रह जाती हैं, इनका मार्क्स अच्छे खासे होते हैं, तो अदर जोन वालों के लिए भी यहां पर जो है कम्युनिटी चेंज कर दी जाएगी उनकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।